हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे तरबूज की टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में कि ये वैरायटी कैसी हैं, ये किस कंपनी की हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम तरबूज की टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि तरबूज की टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे, उसमें जो पहली किस्म है वो है KSP 1434 कैंडी, जो कि ये कलर सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इसकी फसल अवधि की यदि हम बात करें तो ये इसकी फसल अवधि 85 से 90 दिन की होती है। इसके फल का औसतन वजन 6 किलो से लेकर 8 किलो तक होता है, और इसके फल का जो गूदा होता है वो लाल होता है और मीठा और स्वादिष्ट भी होता है। इस वैरायटी के फलों में जो TSS की मात्रा पाई जाती है वो 11 से 12% तक पाई जाती है। फल का जो आकार है वो गोल होता है। इस वैरायटी को आप रबी सीजन में भी लगा सकते हैं और जायज़ सीजन में भी लगा सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर ये वैरायटी लगाई जाती है। ये वैरायटी अधिक उपज देने वाली वैरायटी है और इसके फल हैं वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी 50 ग्राम की पैकेट आपको मार्केट में 1500 से लेकर 1600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि नीलांबिका है, जो कि लक्ष्मी इनपुट की वैरायटी है। इसकी फसल अवधि लगभग 60 से 70 दिन की होती है। इसके फल का औसतन वजन 4 किलो से लेकर 6 किलोग्राम तक होता है। इसके फल में TSS की मात्रा 12 से 13% तक होती है, और ये वैरायटी कीट और रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील है। ये वैरायटी भी अधिक उपज देने वाली वैरायटी है, और इसका जो फल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। लाल इसके फल का जो गूदा है वो लाल होता है और कुरकुरा होता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है, और ये वैरायटी भी अधिक उपज देने वाली ये वैरायटी है। इस वैरायटी को भी आप रबी और जायज़ सीजन में लगा सकते हैं। बात करें एक तीसरी वैरायटी की, जो कि मैक्स वैरायटी है, जो कि नोनेम्स कंपनी की वैरायटी है। ये भी एक हाइब्रिड किस्म है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो इसकी फसल अवधि लगभग 70 से 75 दिन की होती है। इसके फल का औसतन वजन 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक होता है, और इसका जो फल का जो गूदा है वो चमकदार लाल और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और स्वादिष्ट भी होता है। इसके फलों में TSS की मात्रा 10 से 12% तक होती है, और इसके फल का आकार अंडाकार होता है। इसके फल की जो त्वचा होती है वो काली होती है, और इस वैरायटी को भी आप रबी सीजन में लगा सकते हैं और जायज़ सीजन में लगा सकते हैं। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी जो कीमत है, इसकी एक पैकेट में 1000 बीज निकलते हैं, और इसकी एक पैकेट की कीमत लगभग 1700 से लेकर 1800 रुपये के बीच में होती है। और इसकी कीमतें हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती हैं, रेटें बढ़ती भी रहती हैं। और हमने ये जो 3 वैरायटी बताई हैं, इन 3 वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं और सभी प्रकार की मिट्टियों में उगा सकते हैं। तो ये तरबूज की टॉप 3 हाइब्रिड किस्में हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। इन वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें हमने तरबूज की और भी कई वैरायटियों को बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इन वैरायटियों में से आप किसी भी एक वैरायटी को अपने खेतों में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। तो ये रही तरबूज की टॉप 3 हाइब्रिड किस्में। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।